गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्री, आप सभी का तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करती है गाइस। और अभी मेरा पैकअप हो चुका है, मेकअप में है राजेश दादा और ये है सपना, इसको तो आप लोग ऑलरेडी पहचान चुके होंगे मेरे ब्लॉग में देख देख के। साइड में जो बहुत प्यार से बैठी है वो है अम्मा, जो मेरे सीरियल में सासू। तो गाइस जो फ्लोएड है वो 15-20 दिन से मुझे मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, बट मैं काफी ज्यादा एक्टिव नहीं थी तो मैं मैसेज नहीं देख पा रही थी और मुझे सच में नहीं पता चल पाया कि वो विविता के हस्बैंड है। तो विविता के बारे में मैंने पहले भी उसके साथ वीडियो बनाया हुआ है और वो है तो बहुत ज्यादा स्पेशल है। एक होता है ना कि जैसे कुछ खास, तो विवि के लिए वो फीलिंग है मेरे दिल में। नहीं अच्छा लग रहा है, खराब हो गए, थोड़ा सा आगे का करना पड़ेगा। तो मेरे बाल दिखते नहीं है और बेचारी पैकअप के बाल मेरे बाल बना दे रही है, तो ये भी सपना का प्यार है मेरे लिए। उनका मैसेज आया कि विवि का बर्थडे है और मैं सरप्राइज देना चाह रहा हूँ विवि को, अगर आप आओगे तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। तो क्योंकि बात विवि की थी और उन्होंने फिर रिसोर्ट थी जहाँ पे उन्होंने पार्टी रखा है वो मेरे शूटिंग से कुछ 5-7 मिनट की दूरी पे ही रखा है फ्लोएड ने। तो बस अभी पैकअप हो चुका है और मैं जा रही हूँ विवि के बर्थडे में थोड़ी देर के लिए। सही फिलहाल सुबह फिर 6:30 बजे मुझे शूट पे आना और सपना थोड़ा सा गुस्सा मन में रखते हुए फिर से टॉन्ग बना रही हूँ क्योंकि मेरे बालों में टॉन्ग कुछ टिकता नहीं है, बहुत सिल्की हेयर है मेरा, बिना कैराटीन के ही बहुत बाल मेरे स्मूथ सिल्की है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये हेयर ड्रेसर लोगों से पूछो तो इनको बहुत तकलीफ होती है, सामने क्या लेग लटक रही है। तो फाइनली मैं तैयार होकर जा रही हूँ और ठीक है, मैं विवि के बच्चे के लिए मैं कर ही सकती हूँ। और मैंने बस फ्लोएड को ये कहा कि मैं जैसे जाऊंगी, विवि को बिल्कुल भी पता नहीं है मैं जा रही हूँ। और एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा आप फैंस बहुत ज्यादा हमें पैम्पर करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, अपने हिसाब से छोटी मोटी गिफ्ट्स देके हमें बहुत खुश करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि विवि मेरी बहुत स्पेशल है, एक खास जगह ले चुकी है वो, उन दिनों की बात है बेला चाची की फैन रह चुकी है वो, मतलब रह चुकी क्या है। तो और कभी भी उसको पता है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, कभी भी उस इस प्यार का गलत फायदा भी नहीं उठाती। तो मुझे लगता है कि मैं एज एन एक्टर अगर मैं भी अपने फैन के लिए और थोड़ा स्पेशल खास किसी के लिए कुछ करूँ तो इसमें क्या गलत है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को तरक्की जितना भी वो कर लेना, जो उसका दिल है ना, क्या माँ आप एक भी करोगे ना, ये जो दिल है ना, ये दिल की अच्छाई कभी नहीं मरने देना चाहिए। वट एवर सबकी अपनी अपनी लाइफ है, लोग बोलते हैं एक्टरों में बहुत एटीट्यूड है, जो भी है मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगी, पर जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती उसी तरह सब एक्टर एक जैसे भी नहीं होते हैं। जैसे कि देख लो अम्मा का पैकअप हो गया, वो मेरे लिए रुकी हुई है। तो ये प्यार है, प्यार आपसे कुछ भी करा सकता है। तो बस मैंने फ्लोएड से इतना कहा कि मैं जैसे ही जाऊंगी आप विविता का जो एक्सप्रेशन है वो, जो मुझे पता है बहुत ब्लैंक हो जाएगी, हो सकता है मतलब एकदम से रोने भी लगे, तो बस वो कैप्चर कर लेना, वो मैं आप लोगों से भी शेयर करूंगी। और तैयार होते होते एकदम से मुझे याद आया कि अच्छा बहुत ज्यादा ओवर पता नहीं मेकअप लग रहा है कि नहीं, क्योंकि शूटिंग वाला मेकअप है तो ज्यादा कुछ टाइम इतना है नहीं, ऑलरेडी 9:30 होने जा रहा है। तो जो वीडियो है वो मैं इसके लिए बना रही हूँ कि बस एक यादें रह जाए। ये यूट्यूब फैमिली जब से मेरी हुई है एक अच्छी बात है कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं यादें करती हूँ। बिलीव मी, जब भी मैं अपने बैरिस्टर बाबू की टीम को मिस करती हूँ ना, मैं अपने बनाए हुए ब्लॉग्स देख लेती हूँ और मुझे इतना अफसोस होता है कि काश जब आप फैंस मुझे उन दिनों के टाइम पे बोलते थे कि बेला चाची आप अपना यूट्यूब चैनल खोलिए, काश मैंने खोल दिया होता तो मैं अपने उन दिनों की फैमिली को भी देख पाती। क्या अम्मा ये जो अम्मा बैठ के ऐसे कर रही है, ये भी मैं जब देखूंगी अम्मा को देखूंगी। और सपना बहुत कोशिश कर रही मेरे बालों को कुछ कर दे ताकि मैं बहुत अच्छी दिखूं, बाकी आप लोग प्यार दे देना। फाइनली हो चुकी हूँ तैयार और पता नहीं यहाँ के लाइट से मैं कितना क्या दिख रही हूँ, पर अम्मा आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत ही प्यारी। पक्का? पक्का। चलो ठीक है, घर पे मम्मी नहीं तो यहाँ सेट पे अम्मा ही सही। और लव यू सो मच अम्मा, और मैं जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बस बीवी का ये बर्थडे बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाए। तो चलिए आप लोग। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ रेस्टोरेंट में, थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ और अभी फ्लोएड का इंतजार कर रही हूँ, बस वो आ रहे हैं मुझे लेने के लिए।
कैसा लगा सरप्राइज? अच्छी लग रही है क्या? फोन ही उठाया मेरा। आ जाओ इधर जाती नहीं हूँ कहीं, बट सीरियसली गाइस ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। ये हमेशा मुझे जब से मिली है बहुत स्पेशल फील कराती है, तो मुझे लगा इतना मैं कर सकती हूँ मेरे के लिए। मुझे पता है मेरी बहुत कुछ बोलना चाह रही, नहीं बोल पा रही है। तेरा मैसेज देख लिया। हम 3-4 दिन से बात कर रहे हैं। बताओ कैसा लग रहा है? ये मेरी फर्स्ट वीडियो जैसे हो रहा है। फर्स्ट टाइम हम मिलने आ रहे थे तो। अरे ये फ्लोइड है जिनके कहने पे मैं आई हूँ। मैंने हमेशा आपके हाथ से बनाए के खाने की बहुत तारीफ की हुई है, आज मिला भी देती हूँ। तो कहीं ना कहीं फ्लोइड का बात मानना बनता तो था, मैंने इनका नमक खाया हुआ है। चलो बताओ। बहुत 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 तो मुझे बिल्कुल भी एक्चुअली विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरे साथ हो अभी, और बहुत स्मार्टली आपने मुझे उल्लू बनाया फ्लॉइड के साथ। ये भी साथ में थी, सब साथ में थे। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि फ्लॉइड एक्चुअली सरप्राइज रख पाया है। और जिस तरह से तुमने मुझे बताया, मुझे लगा शायद तुम्हें पता चल ही गया है, क्योंकि उन्होंने भी बोला मैंने तो वो छोड़ दिया था, तो मुझे लगा कि शायद अच्छा था कि मैंने फोन कर लिया। और आपका भी जब आए थे तब आप मुझे फोन कर रहे थे, और मैं ऐसे लग रही थी अरे ये दोबारा मुझे फोन कर रहे हैं, क्या हो गया? मैं ऐसे सोच के मैंने ऐसे टर्न किया, मैं पीछे खड़ी हूं, मुझे देख लेगी क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं हो गई हूँ, लेकिन इसने मुझे नहीं देखा तो मैंने बोला ठीक है फोन कर लेना। एंड आई हैव नो वर्ड्स एब्सोल्युटली टू डू समथिंग लाइक दिस। और अगर आप मेरा पहला वीडियो देखे तो आपको पता ही है दीदी बोलती नहीं है ज्यादा, बोलना बहुत कुछ चाहती है। सब मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि बीवी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और बस ये वीडियो इतना सा ही था। और क्या होता है ना, सच में ये YouTube की वजह से एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और आई नो बीवी फिर से जब ये वीडियो देखेगी उसको बहुत अच्छा लगेगा। और कोशिश करूँगी कम से कम, आज है 4th June, मैं कल ही ये वीडियो शेयर कर दूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने जिस तरह से मुझे प्यार दे रहे हैं, मेरा ऑलमोस्ट 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा, और बस थोड़ा प्यार और ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, और बस आप लोगों का प्यार रहेगा और मैं आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा। लव यू गाइस, बाय बाय।